Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. Namaskar, adab, sat sri akal. Well, it's a great the worthy world chairman, Dr. Nem Singh Premi on the stage, with a huge round of applause. Here we have Professor A.K. Goyal, one of the eminent personalities present here too. Please join us on the stage. Ek zordar taali honi chahiye ji. Zordar. Ye taali specially from the women folk honi chahiye because this is your day. We are celebrating your day today. Hamare aaj ke jo khususi mehman hain wo chand hi lamhat mein hamare saath maujood rahenge. मैं वेलकम करती हूँ हमारे आज के दीगर मेहमान खुसूसी जो हमारे साथ स्टेज पर भी शामिल है. इसमें से हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी है वो है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मिस नुसरतपुर. उनका साथ दे रहे हैं डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है. उनका साथ दे रही है कैप्टन रमा आर्या जो कि नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट है. और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एन के गोयल साहब. इनके इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में. एन के गोयल जी और दीगर मेहमान खुसूसी शामिल है प्रोफेसर एन के गोयल जी, डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी जो कि अर्शद यूसुफ डायरेक्टर IHRO कश्मीर चैप्टर, अल्ताफ साहब से आए तशरीफ लेके और हर निखत. तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पे आए और इस वन सेरेमनी को शुरू. खातीन एक अहम किरदार निभाती है. दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस कौम की खातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी ना हो. आज इस दुनिया के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर वैली में श्रीनगर स्थान पर टैगोर हॉल में हम लोग एकत्रित हुए हैं. आज विश्व महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के लगभग 58 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है जहां पर 15 लाख से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं. आज इस बात की खुशी है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी ये मौका मिला है कि जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू कश्मीर यूटी में हम लोग को जगह जगह जाकर काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है. साथ ही कैप्टन रमारिया साथी जितने लोग बैठे हैं उनमें हमारी यहाँ की टीम में अजीज आलोक सिंह जी जिनका सहयोग बहुत ज्यादा है. मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. नादिर अहमद वानी जी हैं, सुमेरा वानी जी हैं, रियाज अहमद मीर साहब हैं, अजाज अहमद साहब हैं जो इंडियंस जिनको एम्प्लॉयर ने जिसके जिसने रोजगार दिया हुआ था उसने उनके पासपोर्ट जब्त किए और उनको कई महीने तक पगर सेवाओं में रखा. मेडिकल फैसिलिटी में देना, भोजन में देना, इस तरह की दिक्कतें उनको सामना करना. कैंप चलाने के लिए जिनमें पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हम जो काम करते रहे उसमें गुजरात में हमने लोक अदालत के द्वारा मदद करवाई केसेज में जिसको किया जया सोलंकी शर्मा ने. गांधीनगर, कच्छ, बड़ौदा के रूरल एरिया को हम लोगों ने ये कवर किया. हमने महिलाओं के लिए, माताओं, महिलाओं, बहनों के लिए जहां पर भी ऐसी समस्या आई हाल से लखनऊ में, आगरा में शिल्पी के द्वारा मेडिसिन और फूड की व्यवस्था करने का काम यूएन के द्वारा वो करवाते हैं. हमने इस सृष्टि में लोगों को जन्म दिया है और हम ही उनके एक तरह से रचयिता है. और आप जब भी सुनेंगे तो यही कहा जाता है एवरी सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वोमेन का हाथ होता है. कहीं प्रॉब्लम, कहीं वाटर की प्रॉब्लम होती है, कहीं रेत होती है, कहीं धर्म की प्रॉब्लम होती है, लोकेलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं. लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ. हम लोग एक ही जैसे जन्म लिया है, एक ही जैसे जाएंगे. कहे कि हमारे माइंड में एक बात फिट कर दी जाती है जैसे कि जंगल में बहुत सारे एनिमल फ्री घूम रहे होते हैं. ऐसा है कि इतना बड़ा हाथी इसको कैसे आपने टाई किया हुआ, महावर से पूछता है. वो कहता है कि इसके माइंड में. वैसे तो हमारी एसोसिएशन में एक बॉडी है इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट फोरम जिसमें हम 74 कंट्रीज में प्रोग्राम करते हैं. लेकिन मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि ये प्रोग्राम ही गलत है. इसलिए गलत है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों करते हैं.
वुमेन के बिना तो हम है ही नहीं, न मैं हूं, न ये तहत पे बैठे कोई लोग हैं, न कोई संसार का आदमी है, न कोई संसार का प्राणी है वुमेन के बिना। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट बोल के हम एम्पावरमेंट को कम करते हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोकस एरियाज, जिसमें कि गोयल साहब इन टीम और उन्हीं की तरफ, गोयल साहब हमारे चीफ मेंटर हैं आईएचआरओ के, उनका यूनिवर्सिटी से जो कनेक्ट है, करिकुलम है, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में वर्कआउट करना शुरू, ह्यूमन राइट्स, ड्यूटीज, डिप्लोमेसी एंड एवरीथिंग, वेयर इन वी विल डिवाइस ए करिकुलम जिसमें ये चार पांच फोकस एरियाज सब कवर हो, उनका करिकुलम बने एंड उसके हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन। वो कर रहे हैं विमेन्स डे, और विमेन्स डे बार बार ये प्रूव हो चुका है कि हमारी ख्वातीन मर्दों से पीछे नहीं है, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। ओके, अब ख्वातीन हजरात जो हमारी हैं, उनकी तरफ से जोरदार तालियां। And I wish I can join the work with them as long as I live and make a difference in our state, which I love, and I love my Kashmir. Thank you very much. Nari, hokar nari hi kyun lage hriday ko chubne? Bhed kiya kyun tumne jab na bhed kiya tha rab ne? Nanga bhej diya tha dono ko hi to kudrat ne? Organization ki aur se bhi main is pe kaam karna chahta hu, khas kar नंबर टू, क्योंकि आज वुमेन्स एम्पावरमेंट डे है तो उसके लिए भी हम काम करेंगे आगे जाके। हमारा विजन, इतने क्लब्स हैं हमारे पास, हमें भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनको भी हमने दावा दी है। कल एक्चुअली हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, वो खासकर हम स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स वालों के लिए ही कर रहे हैं, उसमें एक वॉकाथॉन कर रहे हैं हम अपना फोरशोर रोड पे, जो कि सुबह 8 बजे स्टार्ट होएगा। जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही मैं से कभी राजी नहीं था, क्योंकि हम उस हस्ती को बोल रहे हो उसको एम्पावर करें जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमें जन्म देके दुनिया को दुनिया की रीत सिखाई, दुनिया में बसाया, दुनिया की हर चीज हमारे पास मयसर करी, और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं उसके बाद हमारी जिंदगी में एक हम सफर आता है जो हमारी शरीर की हयात होती है, जिसको बोलते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और लाइफ सो इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, जिसमें हम स्पेशली वुमन को एजुकेट करेंगे। जब एक वुमन हेल्दी होगी वो अपनी फैमिली को हेल्दी बनाएगी, शी विल गिव ऑल द थिंग्स टू हर फैमिली टू मेक देम हेल्दी। सो इवॉल्विंग, इट इज टाइम टू रिकॉग्नाइज द इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ अ वुमन इन बैडमिंटन, खो खो, वट एवर। सो ऑन नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स वी विल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू मेक देम हियर एंड टू गिव देम द ओपन स्काई दैट वन कैन फ्लाई, वेदर इट्स यूथ, वेदर इट इज अपनी माँ बहनों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, जिनको हमारे लिए परवरदिगार ने हमारे लिए बहसती इज्जत, बहसती वकार दुनिया पर भेजा है, और वो वकार, वो दुनिया जो हमें माँ के गोद से मिली है, और यहाँ हर एक मुसलमान इस नाम से भी मानता है इसको कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और हम माँ को जब सारा रुतबा देते हैं, अल्लाह ताला ने माँ को जब सारा रुतबा दिया है, रसूल रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माँ को इतना बड़ा रुतबा दिया है, तो हम किस चीज की खेती है, किस चीज की मोली है, क्या आपको वादा दे रहा हूँ इस मन के दौरे से कि जहाँ पर भी मेरी माँ, मेरी बहन को कोई तकलीफ पहुंचती हो, वो सिर्फ और सिर्फ आईएसओ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के साथ रहता करे। हम अगर हमें वकार की जरूरत पड़े और हम वकील को भी फ्री बहसर करेंगे, अगर हमें कहीं जिद्दोजहद करने की जरूरत पड़ी तो हम जिद्दोजहद के लिए आपके शाना बशाना रहेंगे। प्लीज नेक्स्ट दलवेरी जवाबदारी के लिए ऑन बिहाफ ऑफ कैप्टन सोना आपके लिए
एथलेटिक्स में एक अपना ऊंचा नाम कमाया है। 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल एशियन पैरालंपिक्स में, 2 सिल्वर मेडल चेक रिपब्लिक लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया इंडिया को एक पैरा आर्चरी। इसके अलावा रिसेंटली कॉन्फर्म विद अर्जुन अवार्ड शी इफ शी प्रेजेंट ऑन द क्रॉस फूड लेवल से। ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है उसके साथ तो इनका वापस वाली साहब शबीर भट्ट फ्रॉम जेके एक वुमेन एक्टिविस्ट है, बहुत एक्टिव है और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ख्वातीन की मदद करें, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, पूरी तरह से जो है रात दिन अपना सर्व करती है अवामी खिदमत के लिए। हलीमा जी मे आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑन द स्टेज डॉक्टर मुबीना रमजान। डॉक्टर मुबीना रमजान जी जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए। मुबीना डॉक्टर मुबीना रमजान एजुकेट्स एंड एम्पावर्स वुमेन इन कश्मीर। शी रन्स द जामिया इस्लामिया महदुल मुस्लिमात बेस्ड इन सोपोर एंड इन श्रीनगर एंड ऑल्सो हेड्स अ सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अंसार निसा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। प्लीज 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 लेडीज एंड जेंटलमैन रेस्पेक्टेड गेस्ट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm thankful to IHRO to call me here. It's not only the award, but it's an honor, and we need it. So I'm thankful to IHRO to give us this prestigious honor. This is not only the award, but a moments for my and all for my colleagues. I want to share this award for my with my colleagues, with my parents, with my partners, and with my whole team of social work who are social activists and we are working as a team. Thank you. एक बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगी कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हूं, हम सिर्फ पब्लिक है और हम तब भी एक्टिव थे, वी से नेवर हम पीछे नहीं रहे हैं और हम हमेशा आगे हैं, क्योंकि हमसे ही दुनिया रोशन है, हमसे ही सारी जहां रोशन है। और हमने उस वक्त भी काम किया व्हेन देयर वाज द कोविड वी वर एक्टिव, व्हेन देयर वाज हड़ताल वी वर एक्टिव, व्हेन देयर वाज कर्फ्यू वी वर एक्टिव। और यहां पे जरूरत है टू ब्रॉडन द एक्सटेंशंस। आई विल रिक्वेस्ट IHRO टू कीप दिस ऑल मैटर्स एंड हर एक चीज जो इश्यूज है हमारे व्हाट वी फेस दिस टाइम वेदर इन साइकेट्रिस्ट फील्ड इन द मेडिकल फील्ड इन द सुसाइड केसेस आते हैं या कुछ और हैं एंड इसमें वो बहुत ज्यादा रोल अदा करें। सो वी आर बाय नेम ऑफ अंसार निस्सा वी आर एक्टिव इन जे एंड के इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड वी हैव सो मेनी सेल्स। वी गेट केसेस एंड काउंसिलिंग इन अवर काउंसिलिंग सेंटर्स, वी गेट लेडीज विद द सुसाइडल थॉट्स एंड सो वी हैव वर्क हार्ड एंड दिस इज अवर पैशन, दिस इज अवर मिशन। So I would again thank you for IHRO to be here. So लेकिन जरूरत है बहुत, 10-12 सेंटर से काम नहीं चलेगा, we have to work hard to make a success and make achievements. Thank you very much. Thank you so much for your golden words ma'am. Thank you. जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। ये वो ख्वातीन है हमारी सोसाइटी से जो ताल्लुक रखती हैं और जो दूसरों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मे वी प्लीज हैव ऑन द स्टेज डॉक्टर दीबा खालिद इफ शी इज प्रेजेंट हियर। प्लीज डॉक्टर दीबा जी हैं या एनीबडी ऑन हर बिहाफ। वी हैव एन अर्जुना अवॉर्डी एथलीट हियर इफ शी इज प्रेजेंट।
इफ नॉट उनके बदले जो भी यहां पे प्रेजेंट है, मैं उनका नाम लेने से पहले थोड़ा अचीवमेंट बता दूं. शी इज फ्रॉम जम्मू, एज इज 17 इयर्स एंड शी हैज ब्रॉट 2 गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन एशियन पैरालंपिक्स. बाजू नहीं है, अल्लाह ताला का तोहफा जो है उनको इस तरह से मिला है कि स्पेशली एबल्ड होकर उन्होंने एथलेटिक्स में एक अपना ऊंचा नाम कमाया है. 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल एशियन पैरालंपिक्स में, 2 सिल्वर मेडल चेक रिपब्लिक लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन पैरा आर्चरी. इसके अलावा रिसेंटली कॉन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड. खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है अर्जुन अवार्ड, वो उन्हें मिल चुका है. उनके बिहाफ पे अगर कोई भी है तो आ जाए. शीतल देवी नाम है एथलीट का, अगर उनकी जगह कोई है तो प्लीज आ जाए सामने और ये मोमेंटो टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से रिसीव करें. मिस आतिया, शी इज द ओनर, रादर प्राउड ओनर ऑफ टीवीएस. उनकी जगह अगर वो खुद है तो आ जाए प्लीज स्टेज पे. उनकी जोरदार तालियों से आप यहां पे उनका वेलकम करेंगे. अगर वो प्रेजेंट है तो आ जाए प्लीज. मिस आतिया, शी इज द प्राउड ओनर ऑफ टीवीएस मोटर्स कश्मीर. नाम सबने सुना होगा, टीवीएस की गाड़ियां सब चलाते हैं और ये वो लेडी है जो उस सक्सेस के पीछे है. मे वी हैव डॉक्टर अंतशा बिंत रशीद इफ शी इज प्रेजेंट ऑन द स्टेज. प्लीज वेलकम डॉक्टर मंतशा बिंत रशीद ऑन द स्टेज. अगर नहीं है तो उनकी जगह कोई और है ऑन हर बिहाफ, वो प्लीज आ जाए. शी इज द डेप्यूटी डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर अकेस 2011 बैच. नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मिस फातिमा हमीद है. फातिमा जी आ जाए प्लीज. ये स्लम्स को डेवलप करके, उनको एजुकेट करके, उनको जो प्रॉस्पेरस बनाती है, एक बहुत ही बड़ा काम जो हमारी सोसाइटी में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये काम करती है निचली लेवल से, ग्रॉस रूट लेवल से. सुनीता अरोरा, शी इज फ्रॉम मीडिया एंड ऑल्सो सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बेसिकली फ्रॉम जम्मू. एक कश्मीरी पंडित है जो 1990 में यहां से जो माइग्रेट कर गई थी ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन कश्मीर वैली. उनके बिहाफ पे कोई है तो वो प्लीज ये अवार्ड रिसीव करें. सुनीता अरोरा, शी बेसिकली बिलोंग्स टू कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बट इन 1990 दे माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू. अभी वो हस्बैंड के साथ जम्मू में सेटल हैं, लेकिन 2006 से 2009 तक उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है. उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी गई है, मीडिया में भी गई है और वुमेन के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है. तो अवार्ड जो है सुनीता अरोरा के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ सुनीता अवार्ड रिसीव करेंगे. आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा एक बार फिर से कि ये जो इवेंट आज आपके सामने यहां पे हुआ और अगला इवेंट जो कल सुबह होगा डल लेक के किनारे फोरशो रोड पे, इस सारे इवेंट्स की जिम्मेदारी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारा ही एक पार्ट है वो उन्होंने बखूबी यहां पे निभाया है वो रोल और रात दिन एक करके वो काम करते रहे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में. और IHRO का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेवरिक फाउंडेशन. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द ऑफिस बेयरर्स ऑफ मेवरिक मिस्टर आसिफ एंड अदर्स, वो प्लीज आ जाए स्टेज पे. 2009 से वो उन्होंने शुरू किया है और ऑल ओवर इंडिया वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इसके अलावा IHRO का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और IHRO के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ज्यादा यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड यूथ एक्टिविटीज कराई है अभी तक और आज भी जो है एकदम एक्टिव है और वो कराते हैं. तो मे आई प्लीज हैव एनीबडी फ्रॉम मेवरिक फाउंडेशन.
मिस्टर रोनी इफ ही इज प्रेजेंट हियर, रोनी प्लीज आप आ जाए सर, ये ऑन बिहाफ ऑफ मेवरिक फाउंडेशन ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव आप रिसीव करें, आसिफ भाई हैं तो वो भी आ जाए। नेक्स्ट, अब ये कार्यभार जो जितना भी आई एच आर ओ का आज आपने सुना, यू हर्ड इट फ्रॉम द वर्दी सेक्रेटरी जनरल या हमारे वर्ल्ड चेयरपर्सन उनसे सुना या बाकी जो गेस्ट हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो दिल्ली से आए हैं और दूसरी जगहों से आए हैं, ये आई एच आर ओ का काम अब जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट होने जा रहा है, दिस इज द बिगिनिंग। अब इस काम के पीछे जो लोग हैं उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, क्योंकि रात दिन वो गुज़श्ता कई हफ्तों से जागे हैं और इस काम में लगे हैं, इस प्रोग्राम को यहां पे सर अंजाम देने के लिए और अगला जो इवेंट है कल सुबह जो होने वाला है उसको करने के लिए। मे आई प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट द जोनल कोऑर्डिनेटर जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर बट अल्ताफ टू रिसीव अ मोमेंटो फ्रॉम द वर्दी वर्ल्ड चेयरपर्सन डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी सर। लाओ जी जल्दी से। बट अल्ताफ साहब पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन इंसान दोस्ती हमदर्दी और खिदमत खल्क का जज्बा लेकर आगे जब बढ़े तो उनको आगे आईएचआरओ नजर आया और आईएचआरओ के माध्यम से अब वो चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, पॉजिटिव बदलाव हो। अब कहां तक हम पहुंचते हैं यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अल्ताफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़े यहां पे लगाने वाले और उस जड़ से जो पौधा उगा है उस पौधे की मुसलसल हिफाजत, उसकी सिंचाई, उसकी हिफाजत, उसका पूरा ख्याल रखने वाली शख्सियत, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑन द स्टेज द वर्दी डायरेक्टर जे एंड के मिस्टर अरशद यूसुफ। अरशद यूसुफ साहब आ जाए प्लीज। हमारे माशरे में ख्वातीन एक अहम किरदार निभाती है। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस कौम की ख्वातीन मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी ना हो। नारी आओ बोलो, अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो बुर्कों के पीछे, अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो बुर्कों के पीछे, अब तक आगाज करने के लिए आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सर।